गोड्डा जिला के बसंतराय के जहाजकित्ता गांव की आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाएंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। अगर हम आपको ये कहें कि एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला मजदूर अपने खाते में करोड़ों का लेन देन करता है और पूरे गांव क्या पूरे कस्बे क्या पूरे ज़िले में किसी को पता नहीं था कि ये मजदूर करोड़पति है। आपको अगर हम अगले शब्द में ये बताएं कि इस मजदूर को भी ये पता नहीं था कि इसके अकाउंट में करोड़ों का लेन देन होता है और इतना बड़ा व्यापारी है, तो आप फिर आपके मन में एक प्रश्न चिन्ह उठेगा, फिर आपके मन में एक सवाल उठेगा। जब उनके बैंक डिटेल हमने भी देखा तो हमारे मन में भी कई सवाल उठे, तो हम आ गए पड़ताल के लिए उस मजदूर के घर। यही वो झोपड़ी है जिसमें वो मजदूर रहता है, नाम है भुजाली पासवान। और इस मजदूर के खाते में करोड़ों के लेन देन हुए हैं। स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, कहीं 7 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 4 लाख। और जब हम इस मजदूर की हालत और इसके घर की तस्वीर को देखते हैं तो ये देखकर ये अंदाज़ा समझ में आ जाता है कि इस मजदूर ने पूरे जीवन में इतने पैसे देखे नहीं होंगे जितने इसके खाते में लेन देन है। कहानी बड़ी दिलचस्प है। आज से ठीक 10 साल पहले की कहानी है, जब 2013 में इस मजदूर के पास कुछ लोग आते हैं, कहा जाता है कि आपको इंदिरा आवास दिलाया जाएगा, उसके लिए KYC यानी कि इनके ज़रूरी कागजात को यहाँ से ले जाते हैं, साथ में फिंगरप्रिंट भी ले जाया जाता है। उसके बाद 10 साल बीत जाते हैं और इन्हें आवास ववास कुछ नहीं मिलता। उसके बाद अचानक से हाल फिलहाल में वृद्धा पेंशन के लिए जब ये अपने दफ्तर दौड़ते हैं तो मुखिया कहते हैं कि आपका वृद्धा पेंशन पास हो चुका है। ये अपना खाता लेख करके अपने गाँव के बगल में जाते हैं जहाँ इनका बैंक है, तो वहाँ पता चलता है कि इस खाते में आपका पैसा नहीं आया है। तब जाँच पड़ताल के बाद पता चला कि जिस आधार कार्ड से इनका खाता जुड़ा हुआ था वो बैंक गोड्डा के मेन ICICI ब्रांच जो सिनेमा हॉल चौक पर है उसमें था। और जब वो जाके वहाँ पर बैलेंस चेक करवाने कैशियर के पास जाते हैं और वहाँ के क्लर्क से मिलते हैं, तो क्लर्क की उंगलियाँ जब कीबोर्ड पर चली तो स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखी उस क्लर्क को, उस क्लर्क के भी होश उड़ गए। इसकी तस्वीर, भुजाली पासवान का ये वेशभूषा और पूरा तस्वीर देखकर जो है वो क्लर्क वहाँ के जो अफसर हैं वो भी भौचक्के रह गए कि कैसे 1 से 1.5 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में हेर फेर दिख रहे हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन दिख रहा है। और ट्रांजैक्शन बड़े लंबे चौड़े हैं, कहीं पानीपत से तो कहीं गंगानगर से, तो पूरे भारत के अलग अलग कोने से इनके अकाउंट में पूरा लेन देन चल रहा है। उसके बाद लगातार जब इनको एक चिट्ठी जो है इनकम टैक्स की इस तरह की कई चिट्ठियाँ 2013-14 से ही इनके घर तक आती थी, तो एक कागज सरकारी कागज़ समझकर ये ऐसे ही रद्दी में डाल दिया करते थे। उसके बाद जब इन्हें पता चला कि इनके बैंक से इतने खाते का लेन देन हुआ है इतने पैसे का, तब उनको समझ में जाकर आया कि कहीं ना कहीं ये कहानी उसी कागज़ की है जो 2013-14 से लगातार उनको आता रहा था। ये देख लीजिए कि इनकम टैक्स का ये कागज़ है और इन्हें ये कहा जाता था कि आप अपना ITR नहीं भर रहे हैं। किसी भी गरीब को, इस झोपड़ी में रहने वाले गरीब को शायद ही पता चले कि ITR क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है। अब हम इन्हीं से जानेंगे कि पूरा वारदात क्या हुआ था, पूरी घटना क्या हुई थी और कैसे इनके खाते में करोड़ों का लेन देन हुआ। देखिए यह तस्वीर है। कैसे के पाए थे 10% देंगे बाबू साहब, हम मेरा पति के जान नहीं है, मेरा रहने का आश्रय नहीं है, कैसे के मैं इतना देंगे सर, हमको जान ले लो से सही पूरा हो जाएगा या सर पैसे, तो मेरा बचने का भाव नहीं है, कैसे बचेंगी केना कैसे। आप ये तमाम चीज़ें देख रहे होंगे, तमाम चीज़ें भी समझ में पूरी नहीं आएगी। हम पूरी कहानी आपको समझाते हैं। जब इनका वृद्धा पेंशन हाल फिलहाल हुआ और इनके खाते को सब सीधे इनके आधार कार्ड से लिंक किया गया तो ये खाता ICICI बैंक गोड्डा का मिला। उसके बाद की कहानी से पहले भी हमने आपको तब तक बता दी है कि करोड़ों का हेर फेर इनके अकाउंट में दिखा। अब ये बेचारे इस प्रकार परेशान हैं, जब इन्हें पता चला कि इनके खाते में करोड़ों का लेन देन हुआ है तब इनके पसीने छूटे हैं और कागजों का पुलिंदा जो है इस वक्त खाट पर पड़ा हुआ है। उसके बाद वकील, इनकम टैक्स के वकील तमाम जगहों पर ये दौड़ चुके हैं कि ये जो नोटिस बार बार हमें आ रहा है ये क्यों आ रहा है। ये नया नोटिस आप देख लीजिए, तस्वीर दिखाइए यहाँ पर, कि 16/8/2023 को ये अभी हाल फिलहाल का नोटिस है, पुनः नोटिस आया है। उसके बाद ये दौड़कर यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं अरशद बहाव उनके पास पहुँचे हैं और ये कहा है कि ये आलम है, तो ये उनसे ही हम जुबानी जानते हैं कि सुनते हैं कि वो भी हमें यहाँ तक लेके आए हैं इस घर तक, तो हम उन्हीं से जानना चाहते हैं क्या पता चला आपको कि क्या तस्वीर थी यहाँ। ये अचानक मेरे पास परसों गए थे सुबह और इन्होंने बताया कि देखिए ये नोटिस आया हुआ है और इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आया और करोड़ों का मुझे जो लेन देन हुए हैं खाते से उनका ITR भरने के लिए कहा जा रहा है, पैसे जमा करने के लिए कहा जा रहा है। तो फिर हमने देखा, पूछा, तो सारी बातें वही बताई जो आप अभी बता रहे थे। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले
कि इनको आया है नोटिस भुजाली पासवान के नाम से 2023 आठवें महीने में, यानी कि पिछले महीने में, और लिखा हुआ है साफ साफ कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट कि सम ऑफ 2,03,81,756 रुपए का आपके पास ड्यू है। तो आप समझाइए कि एक गरीब के पास 2 करोड़ का ड्यू है, ये कैसे चुकाएंगे? आगे बताइए क्या बता रहे थे। तो ये हमारे पास गए और इन्होंने सारी कहानी बताई, इन्होंने कि ये मेरा इधर पेंशन स्वीकृत हुआ था, आप लोगों ने मिलजुल कर करवाया भी था, और जब पेंशन हो गया और हम अपने पैसे को निकालने के लिए जब गए तो वहाँ पर पैसा नहीं था। तो हम फिर उनको चेक करवाने के लिए ब्लॉक गए, ब्लॉक में जाकर जब कंप्यूटर ऑपरेटर ने चेक किया तो पता चला कि ये पैसा जो है ICICI बैंक गोड्डा में जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर अभी मामले आ रहे हैं जो कि आम लोगों को पता भी नहीं रहता है कि हमारा खाता वहाँ पर है। ये मैं जानता हूँ क्षेत्र में बहुत सारे लोग कागजात भेजते हैं मेरे पास कि खाता वहाँ पर है। ये होता है कि कभी किसी वक्त खाता खुलवाया होगा इन लोगों ने, आजकल लेबर कार्ड भी बनते हैं उसमें भी खाते खुलने के नाम पर आजकल मतलब यूं ही वो ऑटोमेटिक खुल जाता है, आप नहीं भी देंगे तो। ये इन चीज़ों पर रोक लगाने की ज़रूरत होगी, सरकार से मेरी तरफ से गुजारिश ये होगी। और लोगों को पता नहीं होता तो उसी तरीके से इनका खाता वहाँ पर हुआ होगा। ये KYC कराने के लिए वहाँ गए होंगे, अपना पैसा निकालने गए, वहाँ पर जाकर जब इन्होंने दिखाया अपने कागजात को अपने, तो उनके खाते को जब देखा कि 2013 से खाता खुला हुआ है और इतने लेन देन हुए हैं करोड़ों के और 7-7 लाख 10-10 लाख रुपए एक आध बार में निकले भी हैं, डाले भी गए हैं उसी दिन, निकाले भी गए, इस तरह की चीज़ें देखकर मैं भी हैरान रह गया। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर हमने आपको जानकारी दी कि इस तरह की बात है और हमने तहकीक किया। तो ये सारे कागजात को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जब से इनको पता चला है ये सबके पास गए हैं, इनके वकील भी हैं, इनकम टैक्स के वकील हैं, उनसे भी मिले हैं और भी वकील हैं, यहाँ तक कि DC साहब के पास भी गए हैं और सारे कागजात बनकर इनके गए हैं। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि गरीब आदमी है, कहाँ से देंगे। इनको डर इतना हुआ, इनका एक बेटा है, उन्होंने गूगल से कहीं से नंबर निकाला इनकम टैक्स ऑफिसर का किसी का, और उन्होंने बताया कैसी सी बात है। उन्होंने भी कहा कि बाबू पैसा जमा कर दो, नहीं तो ये जो पदाधिकारी हैं जिनका नाम है उस नोटिस में नीचे होगा, तो वो ऐसा इंसान है वो किसी की नहीं सुनता है, वो जाएगा सीधा मशीन लेके JCB लेके आपका घर तोड़ देगा, ध्वस्त कर देगा। तो घर तो आप देख रहे हैं झोपड़ी नुमा है, इसको ध्वस्त करने से तो मतलब क्या हो जाएगा, लेकिन 2-3 कमरा इनके बच्चों ने कमा कर किसी तरह पीछे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसका प्लस्तर भी नहीं करा पाए। तो उसको जब डर हुआ कि वो भी टूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे, कहाँ मतलब ये करेंगे, तो डरते मतलब हुए हमारे पास आए कि किसी तरह इसमें कुछ करिए हमारा, ताकि ये नोटिस रुक जाए आना, बस यही है। और हम गरीब लोग हैं, बात सही है, देखने से लग रहा है कि कोई एक नज़र में कह नहीं सकता कि ये खाता इन्होंने इस तरह से किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ। तो हम आप पूरे मामले पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि आपको याद होगा कि गोड्डा में एक ICICI बैंक में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसमें बैंक के मैनेजर जेल की हवा भी खा चुके हैं और वहाँ के साथ में कई कर्मी भी। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है उसी स्कैम से जुड़ा हुआ मामला प्रतीत होता है। उस वक्त कई अकाउंट ऐसे भी खुले थे जिनको जानकारी नहीं थी और उनके अकाउंट में पैसे की लेन देन और हेरा फेरी हुई थी, जो केस अभी भी नगर थाने में चल रहा है। तो उसके बाद उस बैंक मैनेजर को जेल जाना पड़ा था, शायद अभी भी जेल में ही है, इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं इनका भी खाता उसी स्कैम का एक हिस्सा है और इस खाते में जो लेन देन दिखाया जा रहा है वो बड़े किसी व्यापारी का है, और कहीं ना कहीं कोई इनकम टैक्स से बचने के लिए गरीबों के अकाउंट को यूज उसने किया है। और जैसे कि पुलिस से जानकारी मिली, जब हमें सूचना अरशद जी ने दी तो हम पुलिस के पास ही पहुंचे, तो यहाँ के बसंतराय थाना में जब हम बैठे थे तो पूरी जानकारी मिली, इस पूरे मामले को तफ्तीश की गई है और इस बैंक अकाउंट को पता चला है कि 2013 में एक साल चला है, उसके बाद इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था उस कांड के बाद, और तब तक उस अकाउंट को इनको भी पता नहीं था कि इनका ये अकाउंट है। तो जो भी जानकारी मिली है DC सर तक चला गया है इसका यहाँ पर मामला, तो वहाँ से ही जो लेटर आया था उसके बाद जांच किया था यहाँ की पुलिस ने और यहाँ रिपोर्ट सौंप दिया है वहाँ पर उपायुक्त को, लेकिन लगातार नोटिस पर नोटिस इस गरीब को पहुँच रहे हैं। ये एक मुद्दा है कि करोड़ों का लेन देन और किसी और ने किया, हालांकि कागजात टेक्निकल रूप से तमाम कागजात जो हैं इनके हैं तो कहीं ना कहीं ये दोषी पाए जाते हैं टेक्निकल रूप से, लेकिन अगर इनकी हालात और स्वच्छ रूप से जांच अगर जिला प्रशासन करवाए तो इस गरीब को यहां से, इस जो भंवर में जो फंसा है ये गरीब, यहां से इसे निकाला जा सकता है। क्या कहेंगे आप जिला प्रशासन से? जी हाँ, जिला प्रशासन से मैं यही कहूँगा सजेशन के तौर पर भी कि गाँव घरों में आजकल ये
जो सरकारी योजनाएं हैं इनको देने के नाम पर आजकल खाते जरूरी कर दिए गए हैं। तो उस खाते को खोलने के लिए लोगों के पास कागजात हो ना हो, वो जो कर्मी होते हैं जिनको ये जिन पर दबाव बनाया जाता है कि इस तरह के खाते खुलवाने हैं, ये योजना दिलवाना है, तो वो कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। तो कागजात लेकर ये जो इंसान है इसका पैन कार्ड, ये मतलब इनको नहीं पता होगा क्या होता है, और इनका पैन कार्ड अपने आप बन गया। पैन कार्ड बन के उस खाते में, चूँकि इतना ज़बरदस्त ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट है वो, करंट अकाउंट, हाँ करंट अकाउंट कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं खोल सकता है, बताइए कि किस तरह से करंट अकाउंट खोलेंगे। तो उसमें उनका पैन कार्ड भी बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान, सिर्फ आप दोष सरकार पर, प्रशासन पर और ऐसे लोगों पर जो के मतलब कागजात लेते हैं, आपके काम कराते हैं, उन पर ही ना पड़े, अपनी भी जो कमियां हैं उस पर भी गौर करना चाहिए हम लोगों को। लोग जो हैं लालच में आकर आजकल सरकारी योजनाओं के लिए मैं देखता हूँ कि मार करने लगते हैं, चाहे कुछ भी हो, छोटा सा भी चीज़ हो, कागजात दे देते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि हम कोई भी ये जो कागजात हैं मैं दे रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, इसका क्या नुकसान हो सकता है, इसका क्या दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए एक शब्द मैंने यूज किया कि टेक्निकल रूप से ये फॉल्ट है। जी जी, ये गलती इनकी है, टेक्निकल रूप से ये गलत। जी, टेक्निकल रूप से गलती इनकी बस ये है कि इन्होंने विश्वास करके दिया, इनको ज़रूरत थी कि मेरा आवास हो जाए, कौन नहीं चाहता कि आवास हो जाए, इस वजह से दिया। लेकिन हो सकता है कि जो लोग, जिन लोगों ने भी इनका खाता खोलने का काम किया था, या उस वक्त कोई स्कीम आया होगा, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने इसमें मदद की उनकी, लेकिन उस खाते को यूज़ किया वहाँ के जो मैनेजर हैं उस समय के, 2013 के आसपास हम लोगों ने भी देखा था और काफ़ी चर्चित मामला था ये। उस वक्त तो उन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब ऐसे हम जैसे लोगों का अगर करेंगे तो हम लोगों को तो पता चल जाएगा, ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जिसका पता ना हो कि इनका खाता भी है या फिर वो इसमें कुछ कर भी पाएंगे, सोते रहते होंगे। तो उस तरह के गरीब से गरीब लोग का, गरीब इंसान का खाता को इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोगों को कोई भी कागजात किसी को देने से पहले, बिल्कुल जब तक कि वो विश्वसनीय इंसान ना हो, उन पर विश्वास पूरी तरीके से ना हो और पता ना हो, अपने से खाता खुलवाएं, अपने से सारा चीज़ करवाएं, तभी बेहतर होगा मेरे हिसाब से। और जैसे छोटी छोटी चीज़ को, छोटे छोटे योजनाओं को लेने के लिए अपने सारे कागजात को दे देना, बैंक डिटेल को दे देना, ये हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है। और जिला प्रशासन इस तरह के चीज़ों में थोड़ा सा रोक लगाए कि कम से कम जैसे लेबर कार्ड खुलने के नाम पर आप सिर्फ जो हमारे रोजगार सेवक होते हैं वहाँ पर आप उनको सिर्फ आप आधार कार्ड दे देंगे और खाता नंबर दे देंगे, उसके बाद आपका सारा चीज़ खुल जाएगा। खाता नहीं भी रहता है तब भी खाता बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक बन जाता है, मतलब क्योंकि अब ये कहाँ दौड़ धूप करेंगे उतना। तो खाता कुछ प्राइवेट बैंक सब हैं, वो चाहता है कि मेरा खाता खुल जाए, मतलब मेरे यहाँ से खाता अकाउंट हो जाए, तो वो उनके साथ टाई अप करके रहते हैं, बनवा देते हैं तो खाता खुल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें, और उस खाते का दुरुपयोग आगे चलकर कभी भी इस तरह के स्कैम में अगर कोई मैनेजर गलत कर रहा है, कोई कैशियर गलत कर रहा है, किसी की नीयत खराब हो गई और वो फिर हम जैसे या गरीब मतलब जो वो टारगेट हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये सजेशन है कि इसमें थोड़ा सा कड़ाई से पालन हो और जो मतलब विश्वसनीय इंसान है उन्हीं के ऊपर हमको लगता है भरोसा करना चाहिए और ये काम कराना चाहिए। जिला प्रशासन से अपील है और हमने यहाँ के थाना प्रभारी से भी एक बात कही है कि उनसे भी अपील करी है कि बड़े उच्च पदाधिकारी से मिलकर पुनः इस पर विचार एक बार किया जाए, कि इनके लिए एक प्रशासन, जिला प्रशासन से मेरी अपील और गुजारिश है कि इस इंसान को न्याय दिलवाने के लिए वो भी अपने तरफ से पहल करें। मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा और पूरा इलाका जो है आपका शुक्रगुजार रहेगा। अगर आप इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो कृपया करके ये जो घर देख रहे हैं और ये जो इंसान देख रहे हैं, ये कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने इस तरह का ट्रांजेक्शन किया है। जी, तो अगर आप करके जाएंगे, आपका नाम होगा, आप इस इंसान का मतलब खाना नहीं खा पा रहे हैं, इतना बेचारा परेशान, 5 बजे उठ के मेरे घर पे जाके ये बैठे हुए थे मेरे इंतजार में। तो ये तस्वीर वही है। साहब साहब भाई वही कह रहा था कि थाना प्रभारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उच्च पदाधिकारी से हम बात करेंगे और पुनः एक बार इस पूरे मामले को फिर से तहकीकात करेंगे, क्योंकि लगातार नोटिस आ रहे हैं। उन पदाधिकारी ने कहा कि हमने जांच कर करके दे दिया था, तमाम चीज़ें हो गई थी, अब शायद नोटिस नहीं आना चाहिए था, लेकिन पुनः नोटिस आ रहे हैं। और इसमें बैंक की भी, अभी तक भी बैंक की यहाँ पर लापरवाही है कि इस प्रकार के खातों में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो डिटेल बैंक क्यों नहीं दे पा रहा और सूत्र को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, और जो असली लोग हैं जिनके नाम से खाते खोले गए वो इस प्रकार के गरीब हैं और इस दंश को झेल रहे हैं, और ये पूरा परिवार जो है अभी सुख चैन की नींद जो है वो नहीं ले पा रहा है, 5-10 दिन से 15 दिन से परेशान है, खाना इनको नहीं धस रहा है। किसी के साथ भी ऐसा होगा कि उनको खाना नहीं धसेगा जब इस प्रकार की चीज़ें सामने आएंगी, तो जिला प्रशासन से एक निवेदन जरूर होगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी इसके पीछे हैं, जो लोग भी हैं जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये ट्रांजेक्शन किया है, मेरी गुजारिश जिला प्रशासन से ये भी होगी कि उन तहकीकात करके उन तक पहुँचें, उनको खोजा जाए और लोगों के सामने उनको प्रस्तुत किया जाए, उनका नाम उजागर किया जाए, ताकि पता चले कि कौन है वो लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं या इस तरह का काम किया है। तो
ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इन पर नोटिस बंद हो जाए तो मामले को शांत करके सो जाएं, आगे भी कोई शिकार ना, आगे भी शिकार ना हो और तहकीकात जरूर करें, क्योंकि 2013 का मामला है, तब से लेकर वो बहुत बड़ा चर्चित मामला था, जो लोग उसमें जेल में गए थे वो गए होंगे अब छूटे या नहीं, लेकिन आखिर जो जिन्होंने इनका इस्तेमाल किया है वो कौन है, क्या वही थे, क्या उसकी सज़ा मिली उनको, ये सारी चीज़ पर गौर करने की जरूरत है और ये हमारी मांग है जिला प्रशासन से। मुखिया है आपके यहाँ? मुखिया, अच्छा, प्रतिनिधि हैं, की बात है, कैसे पता चला कि आपको इसके भुजाली, क्या नाम है इनका, भुजाली पसंद के साथ ये सब हो रहा है, कैसे पता चला, क्या पता चला? ये तो इधर बिरदा जब हुआ ना सर, तो पहले ऐसे बोला था, मतलब एक बार इनके ऊपर नोटिस आया था, तो कई लोगों पर इस तरह से आया हुआ है, तो बाद में पता चला इस साल जब बिरदा कराया इनका, तो हम बोले देखिए आपका बिरदा हो गया, पैसा चेक कर लीजिए आया कि नहीं आया, तो चेक करने के लिए गया, तो बोला कि नहीं पैसा नहीं आ रहा है, मैंने कहा नहीं वहाँ तो पता चल रहा है पैसा आपके अकाउंट में जा रहा है, यानी कि इनका पहले से कोई और दूसरे बैंक में भी अकाउंट था क्या? अब दूसरे बैंक में अकाउंट, यहाँ मतलब लोकल अकाउंट, लोकल SBI में, SBI महेशपुर ब्रांच में, महेशपुर ब्रांच में, तो यहाँ वहाँ चले गए खोजने, खोजने, तो वहाँ इसको पता चला नहीं इसमें अकाउंट में तो नहीं आ रहा है, लेकिन पता चला नहीं अकाउंट और है, अकाउंट दूसरा भी अकाउंट है, जबकि इनको जानकारी भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, और जो इस पर नोटिस आ रहा है या किसी भी एंगल से सर कोई भी पदाधिकारी है वो देख ले, या गांव के बच्चे को भी अगर पूछेगा तो इसकी स्थिति या नहीं है कि करोड़ की बात तो दूर है, लाख में मतलब संभव पूरे, नहीं पूरे, है, पूरे तो जीवन में नहीं देख पाया होगा एक साथ, और यह करोड़ की बात मतलब ये हो रहा है, और स्टेटमेंट एक बार दिखाए थे तो कहाँ कहाँ से पैसा इसका निकल रहा है तो उसका कुछ अते पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी भी मांग है कि इस पूरे मामले की जल्दी से जांच हो और एक निष्पक्ष जांच हो और इसका हल जो है जल्दी से ढूंढ लिया जाए, तब तक के लिए देखते रहिए जिला टॉप और हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।